कभी ना कभी आपको भी पशुओं के चारे की व्यवस्था करने में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। खास करके गर्मी एवं सर्दी में चारे की व्यवस्था करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हरे चारे की समस्या से साइलेज आपको छुटकारा दिला सकता है। अब आपके मन में साइलेज को लेकर सवाल उठ रहा होगा कि ये है क्या, तो आइए साइलेज के बारे में विस्तार से जानें। विशेषज्ञों के अनुसार साइलेज हरे चारे को ताजा और रसीले अवस्था में सुरक्षित बनाए रखने वाला एक पशु आहार है। ये चारे वाली फसलों में मौजूद शुगर की मात्रा को समय के साथ लैक्टिक एसिड में बदल देती है, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। ऐसे में आपको साइलेज बनाने की विधि के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं साइलेज बनाने में किन फसलों का उपयोग किया जा सकता है और इसे तैयार करने की विधि क्या है। साइलेज बनाने के लिए इन फसलों का प्रयोग करें। साइलेज तैयार करने के लिए मक्का, सोरगम, जौ, बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसके अतिरिक्त आप नेपियर घास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलेज बनाने की विधि। मक्का, जौ आदि हरे चारे को 1 से 2 इंच के आकार में काटें। ध्यान रखें कि 65 से 70% तक की नमी की मात्रा होनी चाहिए। कटाई के बाद 50 स्क्वायर फीट का गड्ढा तैयार करें। गड्ढे की दीवारों एवं सतह की पुताई अच्छी तरह गोबर से करें। गड्ढे में 500 से 600 किलो कटा हुआ हरा चारा, 25 किलो शीरा, 1.5 किलो यूरिया का परत अनुसार लगाते हुए भरें। गड्ढे में हवा एवं पानी ना जाए, जिसके लिए इसे ऊपर से घास से अच्छी तरह दबाएं। इसके मिश्रण को साइलेज में बदलने के लिए कम से कम 45 दिनों के लिए रहने दें और साइलेज तैयार हो जाएगा। पशुपालन के संबंध के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देहात किसान ऐप डाउनलोड करें और देहात से जुड़िए। देहात का हाथ किसानों के साथ। धन्यवाद।